ओके, तो इस वीडियो में बताऊंगा ये जो टेक्निकल फ्लैशलाइट मुझे मिली है उसका यूज़, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ है वो एनमी को ब्लाइंड कर देगी जब भी क्लोज रेंज में आएगा। तब जब आप एडीएस करोगे, जो देखो आपको दिखाता हूँ, ये बंदा है और एडीएस किया, ऐसी फ्लैशलाइट जली नीचे से। अगर वो क्लोज रेंज में होगा ना तो उसको ब्लाइंड कर देता, मतलब वो देख नहीं पाता थोड़ी देर के लिए, और मैं उसको इजीली आसान से मार देता। ये मैंने फिर से एडीएस किया और मैंने फ्लैशलाइट जली, पर वो बंदा दिख नहीं रहा था मेरी तरफ, इसलिए वो ब्लाइंड नहीं हुआ। और इसका मतलब पूरी तरह से जान लेते हैं कि क्या होता है। डिस्क्रिप्शन: ब्लाइंड द एनमी इन द फ्रंट ऑफ एट क्लोज रेंज विद वाइल एडीएसिंग। इसका मतलब ये है कि जब बंदा क्लोज रेंज में होगा और आप एडीएस करोगे तो सामने वाला एनमी ब्लाइंड होगा। देखो फिर से जली जब मैं एडीएस किया, और ये देखो फिर से। और इस टेक्निकल फ्लैशलाइट को रिचार्ज होने में 30 सेकंड लगते हैं। आपको 30 सेकंड वेट करना होगा फिर से फ्लैशलाइट जलाने के लिए। मतलब एक बार आपने एडीएस कर दिया तो बाद में 30 सेकंड के बाद वो जलेगी। एक बार फ्लैशलाइट जल गई तो बाद में 30 सेकंड के बाद जलेगी, ऐसा नहीं कि तुरंत वो जल जाएगी। और 30 सेकंड के बाद ही एनमी को आप मारना चाहोगे तो 30 सेकंड के बाद वाला एनमी ही ब्लाइंड होगा। इसलिए सिंपल इसका मतलब है उसका वो रिचार्ज करने में 30 सेकंड लगते हैं। अब मैं इस क्लिप के बाद, बाइक के क्लिप के बाद, आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि मैंने फार्म में एक बंदे को ब्लाइंड किया है, क्लोज रेंज में था इसलिए मैंने एडीएस करके फ्लैश लाइट चल गई और वो ब्लाइंड हो गया कुछ देर के लिए। अब क्लिप थोड़ी देर में आने ही वाली है, इंतज़ार करें। याद रखना, एडीएस करने पर ही वो ब्लाइंड कर देगी सामने वाले बंदे को। जब भी आप एडीएस करोगे तब तभी सामने वाला बंदा ब्लाइंड हो जाएगा। जब भी रेडी हो जाएगी वो फ्लैशलाइट तब आपके गन के ऊपर सिंबल आ जाएगा, येलो कलर में स्कोप जैसा सिंबल आ जाएगा। देखो अब लाइव एग्जांपल, ये बंदा आया सामने, मैंने उसको ब्लाइंड कर दिया, वो अंधा हो गया, हाथ माथे पे हाथ रख दिया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया आसान से, वरना वो मुझे मार देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute.